नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, इस पे बात करते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिरपाती मिश्रण क्या है और स्थिरपाती मिश्रण कब बनता है और कितने प्रकार के हैं, इस पे चर्चा करेंगे। स्थिरपाती मिश्रण जो विलयन राहुल नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं, और अनादर्श विलयन वाले राहुल नियम से विचलन दर्शाते हैं। तो उन विलयनों के जो अवयव होते हैं उन अवयवों को परभाजी आसवन द्वारा पूरी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक स्थिरक्वाथी मिश्रण बना लेते हैं। स्थिरक्वाथी स्थिरक्वाथी मिश्रण कि ये देखिए डेफिनेशन क्या है। एक निश्चित संगठन का वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा इस ताप विलयन एवं वाष्प प्रावस्था का संगठन समान रहता है, इस ताप पर स्थिरक्वाथी मिश्रण एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। स्थिरक्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ये नंबर एक देखिए आप, कुछ द्रव्य युग्म राहुल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे न्यूनतम ताप स्थिरपाती मिश्रण मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाते हैं। सेकंड प्रकार के जो आपके स्थिरपाती मिश्रण हैं वो हैं ये, कुछ द्रव्य युग्म राहुल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे अधिकतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाते हैं। या हम दोनों प्रकार के स्थिरक्वाथी मिश्रणों का विवेचन करेंगे। अभी दोनों प्रकार के हम पढ़ते हैं। तो दो प्रकार के अपने एजोट्रोपिक मिक्सचर आ गए। एक प्रकार जो है वो ये है न्यूनतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण, और दूसरे वाला है अधिकतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण। ये देखिए न्यूनतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप किसको कहेंगे। यहाँ एक ये वक्र देखो दिखाया हुआ है, इसमें ये यहाँ देखिए आप, इस अक्ष पर मोल फ्रैक्शन रखे हुए हैं, दो घटक हैं एक्स और ए और बी हैं, तो दोनों को यहाँ पे उनके मोल फ्रैक्शन रखे हुए हैं, और इस अक्ष पे आपका उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट या जो टेम्परेचर है वो रखा हुआ है। तो यहाँ ये देखिए कि इस जगह पे घटक जो ए है वो 100% है, इसका मतलब एक्स ए बराबर 1 है, मोल भिन्न जो है वो एक्स ए 1 है। तो जब ये 100% है तो एक्स बी इस जगह पे आपका 0 होगा। जैसे जैसे इधर आप चलते हो एक्स बी की मात्रा बढ़ती जाती है, और इस बिंदु लास्ट पर एक्स बी 100% हो जाता है। जब एक्स बी 100% हो जाता है तो एक्स ए की मात्रा लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये घटती जाती है, तो एक्स ए यहाँ पे 0 हो जाता है। तो इस बिंदु पे एक्स ए
जीरो और एक्स भी वन है। यहाँ पे ये देखिए कि एक्स ए जब वन है तो उसका ये बिंदु पी, उस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथन बिंदु है, शुद्ध घटक ए का क्वथन बिंदु पी है। जैसे जैसे इसमें घटक बी मिलाया जाता है वैसे वैसे क्वथनांक, ये देखिए आपका ऐसे घट रहा है इसका, तो ये राहुल नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले ऐसे नीचे आ रहा है। इसी प्रकार से इस साइड में देखिए कि शुद्ध घटक जब एक्स बी बराबर वन है, इन प्योर बी घटक है, उस समय उसका क्वथन बिंदु यहाँ पे ये क्यू है। और जैसे जैसे इसमें राइट टू लेफ्ट अपन चलते हैं इस साइड में, तो घटक इसमें ए मिलाया जाता है और उसका ये आपका क्वथनांक बिंदु है वो घटता जाता है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। इसी प्रकार एक्स ए जब वन था, एक्स बी जीरो था और एक्स बी जब मिलता जाता है तो ग्राफ आपका ऐसे आया। अब ये दोनों ग्राफ आते हैं और बिंदु जो M है यहाँ, इससे नीचे इनका क्वथन बिंदु नहीं आता इससे। अब ये देखो इस नीचे की साइड में लिक्विड फॉर्म रहेगा, इस पार्ट में लिक्विड फॉर्म है, ऊपर वेपर बन जाती है, क्वथन बिंदु से ऊपर वेपर होगी, इधर भी नीचे लिक्विड ही है, विलयन है लिक्विड और ऊपर ये वेपर है। बिंदु M ये यहाँ पर न्यूनतम जो ताप है जहाँ पे स्थिरपाती मिश्रण बन गया है तो ये आ गया। अब इसके लिए यदि मैं चित्र में बिंदु M पर ताप है, न्यूनतम ताप है जिस पर वायु संकटन की वाष्प्रावस्था है, ये तथा स्थिर ताप T ये प्रदर्शित करता है। माना कि संगठन Z पर एक विलयन को गर्म किया गया है, ये इस पर गर्म करेंगे, जैसे संगठन Z ये है इस पर गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो ये इसका ऊपर की तरफ यूं जाएंगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ता जाएगा, यानी उबलने लगेगा और वाष्प अवस्था का संगठन ऐसे आ गया। तो यहाँ पे ये नीचे द्रव अवस्था है और वाष्प में इसका बिंदु ये यहाँ आ गया, तो जो जेड डैश है वो आ गया, जिससे कि अधिक वाष्प से लगभग बी की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी। पूर्व में बताया गया अनुसार इस प्रक्रम को बार बार दोहराने पर अवशेष में एक की प्रतिशत बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके साथ वायु संगठन का विलयन अवश्य रहेगा क्योंकि इनका क्वथनांक अन्य सभी संगठनों के विलयनों से कम है, अवशेष में शुद्ध ए प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वाष्प अवस्था में बी की प्रतिशत मात्रा जब बढ़ती जाएगी परंतु इसके साथ वायु संकटन की वाष्प अवस्था रहेगी, अतः वाष्प अवस्था से शुद्ध बी प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यूनतम वाला आ गया। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे अगला जो एजोट्रोपिक मिक्सर है वो है ये अधिकतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो अधिकतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण में ये ग्राफ इस टाइप से बना है। आप यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो इस बिंदु पे एक्स ए बराबर वन रखा गया है कि घटक ए की मात्रा 100% है, और इधर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो घटक बी बढ़ता जाता है, लास्ट बिंदु पर एक्स बी वन हो गया, 100% हो गया, एक्स ए की मात्रा घटती जाएगी और यहाँ पे एक्स ए जीरो हो जाएगा।
नीचे जो अक्ष हैं इस पे मोल फ्रैक्शन रखे गए हैं, ऊपर वाली ये जो अक्ष हैं इस पे देखिए आपके टेम्परेचर रखा गया है। बिंदु पी जो है वो आपका शुद्ध जो घटक ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बिंदु इस साइड में आप देखिए जो क्यू है ये वो क्यू शुद्ध घटक बी का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से देखिए ये नीचे की साइड में यहाँ पे ये लिक्विड है, द्रव है, और ये आपका वेपर है। तो बिंदु जो M है वो इसका एजोट्रोपिक टेम्परेचर आ गया आपके। अब ये M दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, कुछ ताप स्थिरवाती मिश्रण है ये। अब हम इस वक्र पे चर्चा करते हैं। तो ये किनको कहेंगे हम अधिकतम ताप स्थिरवाती मिश्रण? वे द्रव जो कि राहुल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, इस प्रकार के स्थिरवाती मिश्रण बनाते हैं। इस प्रकार के द्रव युग्मों के ताप संकटन वक्र यह दिखाया। बिंदु M ये जो ताप है वे अधिकतम ताप है जिस पर वायु संकटन का विलयन और वायु संकटन की वाष्प साम्य अवस्था है, दोनों प्रावस्था है। अतः ये बिंदु स्थिरवाती मिश्रण का संगठन तथा स्थिर ताप को प्रदर्शित करता है। तो माना कि संगठन Z के एक विलयन को गर्म किया जाता है तो यह है विलयन TZ पर उबलने लगेगा तथा वाष्प प्रावस्था में अवयव A की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी। अतः संगठनित द्रव में ए की प्रतिशतता बढ़ती है। इस प्रक्रम को बार बार दोहराने पर अशुद्ध में शुद्ध ए मिलता रहता है, परंतु अवशेष में वायु संगठन का विलयन अवश्य होगा क्योंकि इसका क्वांटनांक अन्य सभी संगठनों के विलयनों से अधिक है, अतः शुद्ध बी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ये हमने आज अपन ने जो पढ़ा है ये देखो स्थिरक्वाती एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, इसकी परिभाषा कह सकते हैं हम, साथ में ये एजोट्रोपिक मिक्सचर कौन से विलयन बनाते हैं, तो जो आदर्श विलयन है वो नहीं बना करके अनादर्श विलयन बनाते हैं, साथ में अनादर्श विलयन जब दो प्रकार के होते हैं आपके राहुल नियम से धनात्मक विचलन वाले और राहुल नियम से ऋणात्मक विचलन वाले, तो एजोट्रोपिक मिक्सचर यहाँ पे दो बनेंगे। अब राहुल से जो धनात्मक होगा वो न्यूनतम ताप वाला बनाएगा, ये थोड़ा सा देख लेना, धनात्मक और न्यूनतम उल्टा है नाम है। तो राहुल नियम से धनात्मक विचलन वाले हैं वो न्यूनतम ताप वाला स्थिरक्वाती मिश्रण बनाएगा, और राहुल नियम से जो ऋणात्मक वाला है वो अधिकतम ताप वाला स्थिरक्वाती मिश्रण बनाएगा। तो ये न्यूनतम और अधिकतम जो है वो क्यों बनाए गए? देखो यहाँ ये न्यूनतम वाले का ये जो ताप आया ना ये M, ये दोनों के क्वांटनांक ताप से कम है, न्यून है, इसलिए इसका नाम न्यूनतम ताप स्थिरवाती मिश्रण बना। इसी प्रकार से ये धनात्मक वाले में आप देखो कि ये जो ये M है ये दोनों के क्वांटनांक बिंदु P और Q उनसे उच्च है, इसलिए इस प्रकार का जो एजोट्रोपिक मिश्रण बना उसका नाम अधिकतम ताप स्थिरक्वाती मिश्रण बना। तो ये नाम दोनों इन वक्रों से समझ में आ गए होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, विलयन वाले पार्ट में भी आप इसको पढ़ सकते हैं फर्स्ट ईयर में, और इसी प्रकार से ये BSc थर्ड ईयर में डाल दिए गए हैं इस टॉपिक को, तो वहाँ पर भी ये हम इसका अध्ययन करते हैं।
थैंक यू। ओ अटिया आपने बार कूलर लाइक यू देनी आपने किए जकी जस्ट कूलर लागोड़ में भी बाहर बैठूंगा।